दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराए और फिर वर्ल्ड कप जीते, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने इंग्लैंड के खिलाफ किया टीम का ऐलान। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाते हुए टीम में बड़ा बदलाव कर दिया। अपनी खतरनाक रणनीति के तहत नए मास्टर प्लान को तैयार करते हुए रोजर बिन्नी ने अपनी टीम में सेमीफाइनल के लिए एक ऐसे दिग्गज खिलाड़ी की वापसी करा दी है जिसके सामने विरोधी टीम कुछ भी नहीं है। आखिरकार कौन है वो खिलाड़ी, ये तो हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ रोजर बिन्नी की पूरी टीम भी आपको दिखाएंगे। तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय टीम इस साल काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन कर रही है। जहां भारतीय टीम ने इंग्लैंड को इस साल 3 मैचों की T20 सीरीज में हरा दिया, तो अब उसी टीम के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला 10 नवंबर को भारतीय टीम खेलने वाली है, जहां पर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम अलग रणनीति के साथ उतरेगी। और आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबला तो बाद में होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 9 नवंबर को मुकाबला होगा। ऐसे में सेमीफाइनल की विजेता टीमों का मुकाबला फाइनल में 13 नवंबर को होगा। ऐसे में इस मुकाबले के लिए बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अपनी टीम का ऐलान किया, जिसमें रोजर बिन्नी ने आपको बता दी कि पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल को रखा है। जहां दोनों बल्लेबाज जिस तरीके से अभी तक शानदार शुरुआत भारतीय टीम को दिलवाते हुए आए हैं, उसी तरीके से आगे भी शुरुआत देते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा मध्यम क्रम में रोजर बिन्नी ने विराट कोहली और सूर्य कुमार को ही टीम में शामिल किया, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों के बिना भारतीय टीम का वर्ल्ड कप जीतना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में इन दोनों पर भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिल सकता है। इसके अलावा विकेटकीपर के तौर पर भारतीय टीम में ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक को फिर से मौका मिल सकता है, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम अभ्यास मुकाबला खेलने गई थी, जहां पर ऋषभ पंत को मौका दिया गया था। अब ऐसे में उनकी जगह दिनेश कार्तिक को एक बार फिर से परफेक्ट प्लेइंग 11 के तौर पर शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या और रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि दोनों खिलाड़ी जमकर बल्लेबाजी और गेंदबाजी से भारतीय टीम को जीत दिला रहे हैं। ऐसे में यहां पर भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन इसके अलावा रोजर बिन्नी ने फिरकी गेंदबाज के रूप में अक्षर पटेल को बाहर का रास्ता दिखाते हुए युजवेंद्र चहल को शामिल किया, जहां पर उनको बड़े मैदान का फायदा मिलेगा, क्योंकि अक्षर पटेल ने अभी तक ना तो बल्लेबाजी में कोई सहायता की है और ना ही ज्यादातर गेंदबाजी में कारगर साबित हुए। ऐसे में युजवेंद्र चहल को शामिल करके बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा तेज गेंदबाज के रूप में मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार ही खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी जसप्रीत बुमराह की परफेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे और उन्होंने ऐसा ही काम किया। इसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी से विरोधी टीम को दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर कर दिया। साथ ही साथ अर्शदीप सिंह ने युवा होने के बावजूद अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। ऐसे में इसी प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम खेलती हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या रह सकती है? इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।